स्टूडेंट आई एम सोनम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 विज्ञान का बिल्कुल वायरल पेपर, 100% ये बिल्कुल वायरल पेपर है और ऐसा ही आएगा आप सभी का 29 फरवरी को विज्ञान का पेपर 2024 बोर्ड का। ये जो पेपर है बिल्कुल वायरल पेपर, कंटिन्यू इसमें जितने भी क्वेश्चन है आपके बोर्ड के पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो, यहाँ पे हम आपको पूरे के पूरे लिखित उत्तर के साथ बताएंगे कैसे आप सभी को रिएक्शन करना है, कैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बहुत ही सरल सरल ट्रिक बताएंगे और पूरे के पूरे आंसर आप सभी को लिखित रूप से बताएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग इस पूरे के पूरे साइंस के पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आप सभी का इस बार विज्ञान में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। आप लोग मात्र इस पेपर को तैयार कर लो, आप लोग 29 फरवरी को साइंस के पेपर में बिल्कुल आग लगा दोगे, धुआं धुआं करके आओगे आप सभी लोग, पूरे के पूरे आंसर आप लोग छाप कराओगे। आप लोग देख सकते हो कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग को हम साइंस के क्लास 10th साइंस के, ठीक है, आप सभी को हम 10 सेट बताएंगे, यानी 10 सेट के वायरल न्यू मॉडल पेपर हम आप सभी को बताएंगे जो कि बिल्कुल वायरल रहेंगे। अगर आप लोग इस 10 सेट को तैयार कर लेते हो, हल कर लेते हो तो आप सभी का यानी पूरे के पूरे 70 में 70 आने से कोई नहीं रोक सकता, पूरा का पूरा 70 नंबर आप सभी का आएगा, ठीक है। और आपके क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के हम आपको 10 सेट बताएंगे, सिर्फ आप लोग एग्जाम तक इस 10 सेट को तैयार कर लोगे। आज ये साइंस का जो है पहला सेट है, ठीक है, इसके बाद अभी 10 सेट आएंगे। आप लोग चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए। आप सभी लोग इन पेपर को तैयार कर लेते हो तो आपका साइंस जो है इस बार साइंस में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर आएगा। तो आप लोग सबसे पहले देखिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बिल्कुल 29 फरवरी का ये वायरल पेपर है, ठीक है, यही पेपर आएगा और कमजोर छात्र भी अगर इस पेपर को तैयार कर लेते हैं तो वो भी साइंस में टॉपर बन जाएंगे, ठीक है, ये मेरी 100% गारंटी। सिर्फ इतना ही आपको साइंस में पढ़ना, अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो सिर्फ इस पेपर को तैयार कर लो, बाकी आपका 70 में 70 न आया तो देख लेना आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले अनुक्रमांक और ये नाम, ये बिल्कुल रियल पेपर की तरह ही है और यहाँ पे 809 और AE, ठीक है, ये जो संकेतांक है ये बिल्कुल वायरल संकेतांक है और इस संकेतांक का पेपर सबसे ज्यादा सभी जिलों में हर साल आता है, ठीक है, आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए। और यहाँ पे आपको इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, पूरा का पूरा सोल्यूशन हम आप सभी को इस क्लास 10th साइंस के पेपर का बताने वाले। सबसे पहले निर्देश है 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ना है, बाकी इसमें 2 खंड है, खंड अ खंड ब, ठीक है, साइंस के आपके 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट से ऑब्जेक्टिव आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, यानी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, और बाकी ओएमआर सीट पे आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है खंड अ जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है, बहुत ही मेहनत से इस पेपर को बताने वाले आप सभी को, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उपखंड क है, सबसे पहले की क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्वस्थ आग का निकट बिंदु होता है, 4 ऑप्शन है, 25 सेमी, ठीक है, और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और अनंत। तो यहाँ पे देखिए स्वस्थ आग का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है, यानी यहाँ पे F बराबर जो है 20 सेमी दिया हुआ है और यहाँ पे R बराबर जो है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप सभी लोग फॉर्मूला जानते हो कि क्या होता है, F बराबर होता है R/2, ठीक है, इसी पर आप लोग इसको रख दोगे मान आ जाएगा, यहाँ पे F का मान दिया, R का मान नहीं दिया, इस सूत्र को पक्षांतर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे R बराबर और ये जो है 2 भाग में है, तो ये R बराबर हम निकालेंगे तो ये 2 जो है इसके गुणे में हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R बराबर यहाँ पे हो जाएगा F × 2, ठीक है। तो यहाँ पे F का मान कितना है, यहाँ पे 20 दिया हुआ है और इंटू यहाँ पे 2, तो यहाँ पे R बराबर कितना हो गया, इसका इसमें कर दोगे तो 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन C राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक है, देखिए कितना भी क्वेश्चन है इसमें सभी बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, जितने भी स्टूडेंट टॉपर होंगे जो अब तक साइंस की संपूर्ण तैयारी कर चुके होंगे वो इस पेपर को जब देख रहे होंगे तो उनको पता चल ही गया होगा कि ये पेपर कितना वायरल है, इसमें जितने क्वेश्चन कितना वायरल क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, हर साल आने वाले क्वेश्चन है।
तो प्रतिरोध का मात्रक है कूलाम, ओम, जूल, ओम मीटर, ठीक है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, जिसका इस तरह से उसको सिंबल है, ठीक है। आप लोग इस तरीके से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, अमीटर कहते हैं या मोटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उत्पन्न करने की, तो यहाँ पे जनित्र है, डायनेमो। क्वेश्चन पांचवा, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होगी, ठीक है। एक प्रोटॉन पे विद्युत आवेश की मात्रा, यानी प्रोटॉन है तो यहाँ पे प्लस में होगी, ठीक है। 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम, ऑप्शन यहाँ पे डी। इसके बाद नेक्स्ट है छठवां, यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, तो इनके बीच सही संबंध जो है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इनके बीच जो सही संबंध हो जाएगा वो बी बराबर क्या हो जाएगा, फाई बटे के ए, ठीक है। यानी चुंबकीय क्षेत्र बराबर चुंबकीय फ्लक्स बटे के चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, बहुत वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण है, यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है, तो इसकी जो बनने वाली प्रतिबिंब है वो क्या हो जाएगी, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा या वास्तविक और उल्टा, तो ये आभासी और सीधा बनेगा। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे उपखंड ख, यानी ये आपके केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आठवां, बहुत ही वायरल है, कई बार आने वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, हर साल आपके पेपर में ये आता है, इस बार भी 100% बिल्कुल यही पेपर आएगा। शुद्ध जल का पीएच मान है 0, 1, 7, 14, ठीक है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, यानी कि ये उदासीन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पे जल से अभिक्रिया करती है, यहाँ पे धातु पूछ रखा है, ठीक है। तो कौन सी वो धातु है, तो वो Na है, यानी सोडियम है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। प्रोपेनेन में क्रियात्मक समूह है, ठीक है, प्रोपेनेन या प्रोपेनल इसे कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो यहाँ पे CHO है, इसको अल समूह कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोपेनल है तो यहाँ पे CHO। वो प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है क्या कहलाती है, ठीक है। तो वो संक्षारण कहलाती, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन अम्लीय होता है, क्षारी, उदासीन या उभयधर्मी, ठीक है। तो वो अम्लीय होता है। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो जिंक है, यानी JDN, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, JDN जिंक, ठीक है। नेक्स्ट आ गया उपखंड ग, जितने क्वेश्चन सभी बिल्कुल वायरल है, और आप लोग देखिए बहुत ही मेहनत से पूरे के पूरे सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो को हम आपको बताएंगे। आप लोग इस वीडियो पे 1000 लाइक प्लीज आप लोग जरूर कीजिएगा, बहुत ही मेहनत लग रहा है इस पेपर को बनाने में, ठीक है। अगर 1000 लाइक इस वीडियो पर आ गए तो समझिए आपको क्लास 10th के आल सब्जेक्ट के 10 सेट की वीडियो आएंगे। अगर आप लोग सिर्फ उतना तैयार कर लिए तो बिल्कुल आप लोग टॉपर बन जाओगे, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी पेपर है आप लोग समझिए कि प्रीवियस ईयर्स पेपर की हम आप सभी को तैयारी करा रहे हैं, सभी बिल्कुल वायरल पेपर की तरह है, ठीक है। पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी पेपर में से आएंगे, हमारे जो 10 सेट है, 10 सेट की आपको हर एक सब्जेक्ट के 10 सेट पूरे के पूरे उत्तर के साथ बता देंगे। आप लोग सिर्फ उतना तैयार करके चले जाना, एग्जाम देने पूरे के पूरे आंसर छाप के आओगे आप लोग। पादक में जाइलम उत्तरदायी, बहुत वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो जाइलम का जो कार्य होता है, ये जाइलम जो होता है पादक मतलब कि पेड़ पौधे, ठीक है। पेड़ पौधे में जो जड़े होते हैं उसमें जाइलम पाए जाते हैं, यानी ये छोटे छोटे धागे के नुमा होता है जिसमें छिद्र होता है, जिससे जल जो होता है वो सोर्स यानी पृथ्वी से पौधे के जो जड़े होते हैं वो पानी को पत्ते तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये जाइलम का कार्य जो होता है वो जल का संवहन करना, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं, ठीक है, किस दिन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बादलों वाले दिन, क्योंकि जो सौर यहाँ पे सौर जल तापक है वो सूर्य से चलता है, ठीक है, धूप से चलता है, गर्म चीजों से चलता है। तो जिस दिन बादल रहेंगे आकाश में उस दिन थोड़ी ना वो करेगा, ठीक है, काम नहीं करेगा। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट 16 मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क
किसके लिए उत्तरदायी? देखिए सभी के लिए, ठीक है, सोचने के लिए भी है और यहाँ पे ये हृदय स्पंदन के लिए भी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी है और इन सभी यानी इनमें से सभी के लिए है। 17 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन पूछा है, ठीक है, तो ये जो है शुक्रवाहिका, ये जो है ये पुरुषों में पाया जाता है, नर में पाया जाता है, ये मादा में नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो ये मादा का यानी जनन तंत्र का भाग नहीं है। यकृत स्रावित करता है, ठीक है, यकृत जो है क्या स्रावित करता है? लार, जठर रस, पीत रस, अग्नाशय रस, ठीक है, तो यकृत जो है वो पीत रस का स्रावित करता है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है, बहुत वायरल क्वेश्चन। उसके बाद 19 क्वेश्चन है, लसिका में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, क्या नहीं पाए जाते हैं? तो लसिका का जो रंग होता है वो सफेद होता है, ठीक है, सफेद क्यों होता है? क्योंकि इसमें लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसका रंग सफेद होता है, तो ऑप्शन ए राइट है। 20 क्वेश्चन है, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, यानी कि जो मानव में, ठीक है, यानी जो गर्भाशय में, ठीक है, बच्चे पलते हैं माँ के, उनको कैसे उनकी विकास होता है, ठीक है, उनको भोजन कौन देता है? तो उनको भोजन जो है वो प्लेसेंटा देता है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया, यहाँ पे खंड ब वर्णात्मक प्रश्न में आ गया, उपखंड क। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, स्वच्छ किरण आरेख के द्वारा एक अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब के निर्माण को प्रदर्शित कीजिए जब वस्तु की स्थिति, ठीक है, दो है यहाँ पे दर्पण की वक्रता केंद्र पर है, तो यहाँ पे चार नंबर का है, दो नंबर आपको ये वाला आप लोग किरण आरेख दिखाओगे तो मिलेगा, दो नंबर इस पे, चार नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, दर्पण के ध्रुव फोकस के मध्य हो, जब वस्तु की स्थिति यहाँ यहाँ होगी तो कैसे किरण आरेख बनेगा, ये आप सभी को क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, तो चलिए किरण आरेख अब बनाते, कैसे आप सभी को बनाना एग्जाम में, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले, एक भी नंबर आपका न कटे। तो देखिए पहला क्या है यहाँ पे कि जब दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो तब आपको कैसे बनाना है, ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले कि इस क्वेश्चन में अवतल दर्पण बोला है, ठीक है, यानी सभी क्रिया अवतल दर्पण पे ही कराई जाएगी, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि अवतल दर्पण जो कैसे बनता है, तो अवतल दर्पण इस तरह से बनता है और यहाँ पे इसको इस तरह से कलई किया जाता है, ठीक है, परावर्तन के लिए, अपवर्तन के लिए। अब यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे हमने मान लीजिए कि ये वक्रता केंद्र है, यहाँ पे क्या है, ये वक्रता केंद्र है, तरीके से यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हो वक्रता केंद्र। अब वस्तु जब वक्रता के दर्पण की वक्रता केंद्र पर है तो यहाँ पे यानी वस्तु को हमने इस तरह से रखा हुआ है, अब यहाँ से क्या करना है, इसके जब भी किरण आरेख डालना है तो वस्तु के ऊपर इस सिरे से डाला जाता है, ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, किरण आरेख को डाला, ऐसे एरो भी आपको दिखाना है। अब ये क्या हुआ कि दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य फोकस है इस बिंदु पर, तो ये मुख्य फोकस से होकर चला जाता है। इसके बाद देखिये दूसरा किरण जो है हमने इस तरीके से इस वस्तु के ऊपर इस सिरे से दूसरा किरण ये मुख्य फोकस पे हमने डाला, ठीक है, अब ये क्या हुआ, दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के क्या हो गया, समानांतर हो गया, ठीक है, मुख्य अक्ष के क्या हो गया, समांतर हो गया, और जहाँ पे ये दोनों किरणें आपस में काटेंगी उसी जगह वस्तु का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, तो ये किरणें कहाँ पे काटी, यहाँ पे काटी, तो इस तरह से वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया और ये वक्रता केंद्र पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, ठीक है, और ये जो प्रतिबिंब है ये क्या बन गया, वास्तविक बना है लेकिन उल्टा बना है, ठीक है, और ये बिंब के समान आकार का, यानी ये जितना बड़ा वस्तु था उसी आकार का उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बना है, ठीक है, तो इस तरीके से हो गया पहला। और दूसरा क्या है, देखिए दर्पण के जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा हो तब कैसे बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है, अब ये अवतल दर्पण ही है, अवतल दर्पण में वस्तु यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये फोकस हो गया, यानी यहाँ पे दर्पण फोकस और ये पोल हो गया, ठीक है, ध्रुव हो गया यहाँ पे इस बिंदु पे, अब वस्तु को इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पे वस्तु को रख दिया, बी ए वस्तु को हमने रखा। इसके बाद पहला किरण हम वस्तु के ऊपरी सिरे पर दर्पण पे डालते हैं, ठीक है, अब ये दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तो यहाँ पे ये मुख्य फोकस जो है इस बिंदु पर मुख्य फोकस है, तो यहाँ से ये क्या हुई, चली गई, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यानी एक किरण जब हमने इस तरीके से वस्तु के ऊपरी सिरे पर वक्रता केंद्र से डाले तो ये वक्रता केंद्र से जो जाने वाली किरण है ये क्या हुआ कि दर्पण से टकराने के बाद फिर से उसी मार्ग में अपने वापस हो गया, ठीक है, ऐसे वापस हो गया। अब ये दोनों किरणें कहीं पर भी
पीछे करने पर एक दूसरे को नहीं काट रही, यानी वस्तु का प्रतिबिंब पीछे नहीं बनेगा। अब इस किरणों को जब हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं ऐसे डैश डैश करके, तो ये जो है एक तरह से इस ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, यानी सिर्फ आभास किया जा रहा है कि हाँ ये दोनों किरणें जब आगे को बढ़ा रहे तो ये कहीं ना कहीं मिल रही है। और उसी जगह वस्तु का प्रतिबिंब आभासी टाइप का बन रहा है, यानी लोग आभास कर रहे हैं कि हाँ वस्तु का प्रतिबिंब किरण मिल रही है तो जरूर कहीं ना कहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया जो कि आभासी बना है, और जो वस्तु था उससे काफी बड़ा बना है, ठीक है, आभासी बना है और सीधा बना है। तो इस तरीके से आपको देखे प्रतिबिंब जो है आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। आपको ये पूरा चीजें जितने भी है आप लोग इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए। एक वस्तु एक उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस की फोकस की दूरी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब निर्माण को किरण आरेख के द्वारा आपको प्रदर्शित करना है, यानी आपको सिर्फ इसका परिभाषा देना है और इसका आपको दोगुनी दूरी पर जब रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब के किरण आरेख आप सभी को दिखाना है। ये भी चार नंबर, सबसे पहले की प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस किसे कहते हैं, उसके बाद किरण आरेख है, ठीक है। जिस तरफ से प्रकाश लेंस में आपतित होता है या प्रवेश करता है यानी आता है उस लेंस को प्रथम फोकस कहा जाता है, यानी इसको प्रथम फोकस कहा जाता है। पहले इसी जगह क्या होता है, यहाँ से जो प्रकाश की किरणें हैं वो आती हैं लेंस पे, ठीक है। और दोनों फोकस से अपवर्तन के बाद प्रकाश लेंस से जिस फोकस से बाहर आता है, यानी इस फोकस से क्या, इससे इस फोकस से किरणें अंदर जा रही है। देखिए ये प्रथम फोकस है और F2 का मतलब ये द्वितीय फोकस है, और इस फोकस से क्या हो रहा है, यहाँ से वस्तु के ऊपरी सिरे से वस्तु यहाँ पे प्रकाश की किरणें, ये जो लेंस है ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ठीक है। और इस लेंस में क्या हो रहा है, प्रवेश कर रहा है। अब जब यहाँ पे प्रवेश कर रहा है, ठीक है, अब इस तो ये हो गया प्रथम फोकस। अब इससे क्या हुआ, इस लेंस से बाहर निकल जा रहा है, ये किरणें बाहर निकल रही है इधर, तो ये जो F2 है ये द्वितीय फोकस है। आपको समझ में आ गया, ठीक है, उसको बाहर फोकस से बाहर आता है उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। इसके बाद देखिए किरण आरेख क्या है, जब वस्तु जो है कहाँ पे प्रकाशिक केंद्र से लेंस की फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखी जाए और उत्तल लेंस में, ठीक है, और ये जो है ये उत्तल लेंस है, ये क्या है, उत्तल लेंस है। और हम और मनुष्य का आंख जो है वो कौन सा लेंस है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। किरण आरेख कैसे दिखाना है, जैसे यहाँ पे देखिए 2F1, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे ये प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से यहाँ पे फोकस दूरी के दोगुनी, यानी ये फोकस दूरी हो गया, ये टोटल फोकस दूरी है, इसके दोगुनी दूरी पर यानी यहाँ पे F2, ठीक है, यहाँ पे वस्तु, ये एक वस्तु रखा गया है बी और ए, या ए बी आप लोग कोई भी मान सकते हैं। अब इस पे दो किरणें डाले जाते हैं इसके ऊपरी सिरे से, तो एक किरण जब हमने यहाँ पे डाला तो ये क्या हुआ, लेंस से, ठीक है, लेंस में जाने के बाद ये अपवर्तन के पश्चात ये कहाँ पे हो गया, द्वितीय फोकस जो है, ठीक है, F2 यानी द्वितीय फोकस से होकर चला जाता है। इसके बाद दूसरा किरण जब हम यहाँ पे डालते हैं, दूसरा किरण जब लेंस से आता है तो ये प्रकाशिक केंद्र से होते हुए, ठीक है, ये चला जाता है और फिर से उसी मार्ग में क्या होता है, वापस आ जाता है। तो इस तरीके से ये फिर से उसी मार्ग में वापस आ गया, जहां पे ये दोनों किरणें आपस में काटी उसी जगह वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, तो इस बिंदु पर काटी, ठीक है, और यहाँ पे यानी अगर वस्तु को दोगुनी फोकस दूरी पर रखा जाएगा तो वस्तु की प्रतिबिंब भी दोगुनी फोकस दूरी के, ठीक है, बनेगा उस पर। तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन गया 2F2 पर बना है और ये उल्टा बना है, ठीक है, और उल्टा बना है और क्या है, ये प्रतिबिंब वास्तविक बना है, उल्टा बना है और वस्तु के आकार का ही बना है। एक तरह से जो आपको हम बताया ना, वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो कैसे बनेगा, उसी टाइप का ये है, ये लेंस के बारे में बताया गया है। तो ऐसे ही आपको इसको पूरा आप लोग तैयार कर लीजिए, कन्फर्म कर लीजिए, बिल्कुल यही क्वेश्चन सेम आएगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, ठीक है, ये नहीं आप लोग समझिए कि काफी सरल आ जाते हैं। और ये जो ये प्रकाशिक केंद्र वाला है, ठीक है, यानी कि ये जो अपवर्तन है और परावर्तन वाली चैप्टर है, इससे जरूर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और न्यूमेरिकल भी आता है और ऐसे किरण आरेख वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, आवश्यक परिपथ आरेख बनाकर आपको समझाना है, अथवा करके एक सवाल दिया हुआ है, आप लोग को दोनों में से किसी एक को करना है, चार नंबर का दोनों है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाले को आपको बता देते हैं। और देखिए घरों में वायरिंग के परिपथ में फ्यूज को आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। फ्यूज जो होता है वो सभी के घरों में लगभग होता ही होगा। ये क्या करता है, जैसे लाइट कभी कम आता है कभी बहुत तगड़ा आ जाता है ना, तो फ्यूज अगर लगा रहेगा, ठीक है, तो फ्यूज जो है वो बहुत ही नर्म लोहे का बना होता है, वो गलकर गिर जाता है जब लाइट तगड़ी आती है, ठीक है। जिससे आपके घरों में जितने भी उपकरण हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, टीवी, ठीक है, और जैसे फ्रीज, कूलर, ये सब जो हो गए, ये सब अगर तगड़ी लाइट आएगा ना तो फ्यूज गल कर गिर जाता है, जिससे वो उपकरण जलने से बच जाते हैं, ठीक है। तो फ्यूज का यही महत्व होता है। अब तो यहाँ पे देखिए विद्युत परिपथ में फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जब कभी घरों में बिजली की डोरी के दोनों तार विद्युत रोधी आवरण हट जाते हैं, यानी जो तार होता है उस पर काले कलर का जो एक परत चढ़ा होता है ना, प्लास्टिक का टाइप का, रबर टाइप का, तो वो जब हट जाता है, ठीक है, हट जाने के कारण एक दूसरे से छू जाते हैं, यानी दोनों एक प्लस माइनस वाले दोनों जो वो है तार है वो अगर एक में सट जाएंगे तो साट कर जाता है। तो जब हट जाते हैं इसके ऊपर के आवरण, ठीक है, तो ये दोनों साट करने लगते हैं, तब क्या होता है, एक दूसरे से छू जाते हैं, अथवा बिजली के बहुत सारे उपकरण एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे फ्रीज, कूलर, हमने आपको बताया, तब परिपथ का विद्युत प्रतिरोध एकदम गिर जाता है, ठीक है। तब परिपथ में बहुत अधिक धारा बहती है, इससे इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है कि परिपथ के तारों में आग लग सकता है। कभी कभी किसी उपकरण की खराबी के कारण भी उसमें बहुत अधिक धारा आ जाती है जिससे उपकरण जल सकता है, ठीक है। इस प्रकार के खतरों से बचने के लिए क्या है, विभिन्न परिपथों की वायरिंग में फ्यूज तार लगाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिये जैसे यहाँ पे परिपथ आपको भी बनाना था, किरण आरेख, तो किरण आरेख आपको कैसे बनाना है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्या है, ऐसे परिपथ बनाना है, और यहाँ पे एक जैसे यल है और एक एल, दो तार है, इस तार में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको फ्यूज लगाना है, ठीक है। इस तरीके से फ्यूज लगाया जाता है, बहुत ही नर्म लोहे का लगा हुआ है, और बाकी ये आपका उपकरण है, यानी यहाँ से पूरे घरों में लाइट जाता है, ठीक है, तार जाते हैं। तो इस तरीके से आपको परिपथ भी बनाना है ऐसे ही, ठीक है। फ्यूज तार में अधिकतम धारा वहन करने की एक क्षमता होती है, जब धारा इस निश्चित परिणाम से अधिक होती है तो फ्यूज तार गल जाता है और विद्युत परिपथ टूट जाता है, जिससे क्षति होने से बच जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखे ये दोनों क्या हो जाएंगी, जब लाइट तगड़ा आएगा तो ये दोनों ये गल कर गिर जाएंगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गैप हो जाएगा, एक दूसरे में ये दोनों तार नहीं टच होंगी, जिससे इसका यानी जो तगड़ा वाला करंट आ रहा है वो घरों में नहीं जा पाएगा, इसी जगह से आपकी लाइन कट जाएगी, ठीक है, जिससे जितने भी उपकरण है वो जलने से बच जाएंगे। यही फ्यूज तार का महत्व है। ऐसे आप सभी को पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इसको बिल्कुल रट लीजिए, बहुत ही वायरल है, पक्का यही आएगा। अब देखिए दोनों में से आपको किसी एक को ही करना, आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए, या आपको सवाल आता है अच्छे से तो आप लोग इस सवाल को लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको अथवा वाले भी क्वेश्चन का आंसर बता ही देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जितने भी स्टूडेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे बहुत ही सरल है। ये दिया है 1500 वाट सामर्थ वाले एक विद्युत हीटर, ठीक है, सामर्थ दिया है यानी ये शक्ति का दिया हुआ है मान, ठीक है, शक्ति यानी पावर का मान 1500 दिया हुआ है, और एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट यानी भी का मान जो है वो 250 वोल्ट दिया हुआ है। विद्युत मेल से जोड़ा जाता है, तो पहला है कि हीटर में प्रवाहित धारा आई का मान ज्ञात करना है और आर का मान प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, हीटर के तार का प्रतिरोध, ठीक है। अब देखिये फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले जो सूत्र होता है वो P बराबर यानी शक्ति बराबर होता है वोल्ट इनटू धारा। अब यहाँ पे क्या है, हमें सबसे पहले की धारा ज्ञात करना है क्वेश्चन में, तो आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, इस सूत्र को पक्षांतर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे I बराबर हमें निकालना है, तो ये भी जो है इधर आ जाएगा बराबर के, तो ये यहाँ पे ये पी के बटे में हो जाएगा भाग में, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो गया, यहाँ पे पी बटे के भी, अब जो भी मान है आप लोग रख दीजिए, आई बराबर, ठीक है, पी का मान 1500 है, 1500 रख दीजिए, और यहाँ पे भी का मान 250 है, 250 रख दीजिए, एक सुन्ना से एक सुन्ना मर गया, ठीक है। और यहाँ पे आई बराबर जो है कितना आ जाएगा, यानी 25/6 का कितना होता है, 150 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 एम्पियर, ठीक है, यहाँ पे पहला आंसर ये आ गया कि 6 एम्पियर। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, यानी अब आपको क्या निकालना है, तो यहाँ पे धारा को निकालना है। धारा को किस तरीके से हम निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए
सूत्र जो होता है आर बराबर भी का स्क्वायर बटे के पी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, यानी आर आर का मान जो है हमें निकालना है, भी का स्क्वायर यानी भी का मान यहाँ पे 250 दिया है, इसको दो बार रख देना है, तो यहाँ पे 250 इंटू 250 बटे पी का मान जो था वो 1500 था। ठीक है, इस तरीके से 1500 था। अब देखिए यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य कट गए। ठीक है, इसके बाद 25 हम क्या होता है 625 और यहाँ पे 15 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे 15 का किसमें देंगे, इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा मान, देखिए 15 चौके कितना होता है 60 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 चौके यानी 4 बार गया 60, अब यहाँ पे 2 इसमें आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद 15 का जो है 25 में कितने बार जाएगा, एक बार, 15 एकम 15 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 10 बचा, अब यहाँ पे 10 का जो है नहीं जाएगा, यानी कि 15 35 या 45 चौके 60 पचे 75 छक्का 90। ठीक है, यानी 6 बार जाएगा और दशमलव बढ़ जाएगा, आर बराबर 41.66 ओम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना आंसर आ जाएगा, आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आपको लगाना है। उसके बाद देखिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया, और ये अथवा करके, यानी आप लोग सवाल लगाइए या आप सभी लोग इन दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखिए। ठीक है, अथवा है, दिए गए परिपथ में 10 वोल्ट के एक आदर्श बैटरी से जुड़ा है, ज्ञात करना है आपको, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 पॉइंट आपको ज्ञात करना है, ये यहाँ पे चित्र दिया है, इसी को आपको देख करके। पहला कि ए और बी के मध्य आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, पहले में ए वो बी के मध्य आपको क्या करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है, प्रतिरोध को। बहुत ही सरल तरीका हम आप सभी को बताएंगे, आप लोग बिल्कुल इसको सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले देखिए ए और बी के बीच बोला है, तो यहाँ पे ए और बी के बीच कितने यहाँ पे क्या है प्रतिरोध जुड़े हैं, तो एक 4 ओम का जुड़ा है, एक 2 ओम का। ठीक है, जब इसको हम ऐसे फैलाएंगे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जो सूत्र लगेगा वो देखिए आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू। अब यहाँ पे दोनों को इस तरीके से आर वन का मान यहाँ पे 4 ओम प्लस यहाँ पे आर टू का मान 2 ओम, टोटल ये आर डैश बराबर कितने हो जाएंगे, 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, आर डैश बराबर 6 ओम, तो ये हो गया यानी पहला। इसके बाद इसमें ए और बी का बीच के प्रतिरोध पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे ये जो आर टू है और आर वन, इस प्रतिरोध ये भी श्रेणी क्रम में दोनों है, तो इसके लिए भी हम निकालेंगे यहाँ पे आर डैश डबल डैश बराबर आर वन प्लस आर टू। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे यानी आर वन का मान क्या है, आर डबल डैश बराबर आर वन का मान 2 ओम प्लस यहाँ पे 1 ओम, टोटल ये आर डबल डैश बराबर कितना हो गया, 3 ओम हो गया। ठीक है, 3 ओम हो गया। अब इसके बाद अब ये जो हो है इस तरह से कुछ परिपथ बन गया, ये परिपथ अब कैसे बन गया, हमने सभी प्रतिरोध को जब जोड़ दिया तो ये परिपथ जो है इस तरीके से बन गया, यहाँ पे 3 ओम है और यहाँ पे ए वो बी है। अब ये परिपथ यानी कि सिर्फ ये इस तरह से बन गया, आप लोग समझिए ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ये बन गया और ये जो है यहाँ पे 6 ओम आया हुआ है, तो ये 6 ओम हो गया और R डबल डैश का मान यहाँ पे 3 ओम आया, तो 3 ओम हो गया। ठीक है, इस तरह से ये परिपथ बन गया, पहले ये परिपथ ऐसे था। तो इसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A और B के पूरे प्रतिरोध को पूछा है पहले, तो A और B के पूरे प्रतिरोध को आपको निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये दोनों प्रतिरोध ये किस तरह से हो गए, ये दोनों समांतर क्रम में हो गए। ठीक है, एक दूसरे के समांतर है, इस तरीके से ऐसे समांतर है, तो ये दोनों समांतर में अब हो गए। अब देखिए इसको कैसे आपको सॉल्व करना है, समांतर के लिए आपको सूत्र लगाना है आर डैश वो आर डबल डैश, दोनों प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम 60 में हम लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, तब देखिए तुल्य प्रतिरोध जो है क्या हो जाएगा, तो तुल्य प्रतिरोध यानी एक बटे के आर बराबर एक बटे के आर डैश प्लस एक बटे के आर डबल डैश। ठीक है, यही समांतर क्रम सूत्र होता है। अब इस पे रख देना आपको एक बटे के आर बराबर यानी एक बटे के आर डैश का मान क्या था, यहाँ पे एक बटे आर डैश का मान 6 ओम, तो यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे आर डबल डैश का मान 3 ओम, तो यहाँ पे एक बटे के 3, तो यहाँ पे एक बटे आर बराबर क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हम इसका 6 ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। और यहाँ पे 6 कम 6 प्लस 3 दुना के 6, तो यानी यहाँ पे 3 बटे के 6, ठीक है। 3 एक कम 3, 3 दुना के 6, ठीक है। तो यहाँ पे R बराबर जो हो जाएगा वो 2 ओम आ जाएगा, R बराबर 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 ओम आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला था, दूसरे पॉइंट में था कि आपको परिपथ में धारा ज्ञात करना है, कुल धारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए परिपथ में आपको कुल प्रतिरोध निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि एक प्रतिरोध जो है यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, तो इसको आपको तुल क्या पूरे प्रतिरोध को निकालना है। तो दूसरे में हो जाएगा परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है, कुल प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। अब यहां पे क्या हो जाएगा, R R, ठीक है, R इक्वलेट बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस 3 ओम, यानी ये R जो हमने यहाँ पे जो 2 ओम निकाला है और उसके बाद 3 ओम का प्रतिरोध जो यहाँ पे जुड़ा है, तो यहाँ पे जो R निकाले हैं 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस यहाँ पे 3 ओम, टोटल ये R इक्वलेट बराबर कितना आ गया यहाँ पे, 5 ओम, ठीक है, यानी कुल प्रतिरोध है 5 ओम है। अब इसके बाद देखिए परिपथ में धारा निकालना था, इसके बाद यहाँ पे हो गया परिपथ में धारा I, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सूत्र क्या हो जाएगा, परिपथ में धारा I बराबर, यानी I बराबर क्या हो गया, V बटे के R इक्वलेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, I बराबर धारा बराबर V का मान जो है, यानी V का मान कितना है, तो यहाँ पे V का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे V का मान जो है कितना है, 10 वोल्ट दिया हुआ है, V का मान वोल्ट का मान, तो यहाँ पे 10 रखना है और बटे के यहाँ पे R इक्वलेट जो है 5 आया है निकल कर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो I का मान कितना हो गया, यहाँ से I का मान 2 एम्पियर हो गया, ठीक है, I का मान 2 एम्पियर हो गया। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि A और B के मध्य आपको विभवांतर ज्ञात करना है, यानी V का मान ज्ञात करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे तीसरे में, ए वो बी के बीच यानी मध्य विभवांतर, बहुत ही जल्दी मैं आपको बता रहा है, ठीक है, इस तरह से ऐसे हमने लिख दिया, आप लोग इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। अब इससे आप लोग रख दीजिए V बराबर, आई का मान अभी हमने निकाला है 2 एम्पियर, 2 और यहाँ पे इंटू आर का मान जो है, आर का देखिए आर इक्वलेट का मान नहीं पूछा, आर का मान पूछा है, ठीक है, आर का मान यानी सिर्फ ए और बी के मध्य ही हमें निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, ए और बी के मध्य सिर्फ हमें निकालना है विभवांतर का मान, ठीक है। तो हम इस प्रतिरोध को नहीं लेंगे, सिर्फ इन्हीं प्रतिरोध को जितना जोड़ने पर आया, यानी जितना तुल्य प्रतिरोध आया उसको लेंगे। तो यहाँ पे आर का मान सिर्फ लेंगे, तो आर का मान 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, भी बराबर कितना हो गया, 4 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया, आप लोग ऐसे ही पूरा लिख लीजिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी हमने सॉल्व किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे आपको कोई भी नहीं समझाएगा, जितने भी हम आपको पेपर बता रहे वो 100% बिल्कुल रियल है, ठीक है। और जितने भी हमारे अलावा आपको यूट्यूब पर पेपर मिल रहे हैं वो सभी फेक हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए अगले साल स्टूडेंट ने हमारे चैनल से जितने भी स्टूडेंट पढ़े थे उसने कमेंट किया था कि 100% मैम आपका ही पेपर आया था, और जितने स्टूडेंट हमारे चैनल से नहीं पढ़े थे, दूसरे यूट्यूब चैनल का पेपर देखे थे, ठीक है, वो फेल हो गए थे या उनके कम नंबर आए थे, और वो सभी लोग जितने भी चैनल से पढ़े थे कमेंट भी हमारे चैनल पे किए थे, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग जो हमारा चैनल है वो बिल्कुल गारंटेड है, ओरिजिनल चैनल है, नंबर वन चैनल है। आप लोग हमारे चैनल से अगर पढ़ोगे तो आप लोग कमजोर स्टूडेंट हो फिर भी हमारे तरीकों को फॉलो करते, हमारे क्वेश्चन को दिए हुए याद करते, तैयार करते, तो 100% आप लोग कम समय में भी अच्छे नंबर ला दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पूरे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे क, यानी इसमें अथवा है, आप लोग इस सवाल को लगाइए या यहाँ पे दो क्वेश्चन है उसको आप लोग कीजिए, ठीक है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसका देखिए आंसर क्या होगा, आंसर क्या आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, अंतरिक्ष यात्री आकाश में
उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है, ठीक है, और न ही वहां पे कोई प्रक्रियन हो पाता है, इसलिए उन्हें आकाश जो है नीला नहीं बल्कि उन्हें काला दिखाई देता है, काला प्रतीत होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। अब देखिए अवतल लेंस है तो इसमें जो फोकस दूरी है वो माइनस में रखा जाएगा, यानी -4 यहाँ पे दिया हुआ है। और सूत्र क्या होता है, यानी अवतल लेंस के जो क्षमता का सूत्र होता है वो एफ बराबर 1/P होता है, और ये मीटर में दिया हुआ है फोकस दूरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी हमें क्षमता निकालना है, पी का मान निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे पी बराबर जो हो जाएगा वो 1/F हो जाएगा। यहाँ पे पी बराबर 1/F का मान -4 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका जब हम इसमें भाग देंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पे नहीं जाएगा तो 0.0, ठीक है, और 4 × 8 माइनस में आएगा, ठीक है, ये मान माइनस में आएगा, माइनस यहाँ पे, फिर यहाँ पे 4 × 8 हो जाएगा, ठीक है, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 8 और फिर 2 बचेगा, 4×5 = 20, तो यहाँ पे जो मान आया जाएगा वो पी बराबर यानी कि 0.0, ठीक है, 2.5 डायोप्टर आ जाएगा, ये आंसर है। नेक्स्ट है उपखंड ख आ गया यहाँ पे 5वां क्वेश्चन, फॉर्मल एल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम और रासायनिक सूत्र आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए फॉर्मल एल्डिहाइड है और एसिटिक अम्ल है, ठीक है, दोनों का आपको IPAC नाम और रासायनिक सूत्र लिखना है। तो देखिए फॉर्मल एल्डिहाइड जो है इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो मेथेनल हो जाएगा, ठीक है, और इसका जो सूत्र हो जाएगा वो HCHO हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये CHO जो है वो अल समूह है और बाकी एक कार्बन की संख्या है जिसको मेथेन कहते हैं, और यहाँ पे मेथेन प्लस अल जुड़ेगा तो ये मेथेनल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एसिटिक अम्ल है, इसका IUPAC नेम, ठीक है, इसका IUPAC नेम एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, अम्ल, और इसका जो सूत्र हो जाएगा वो CH3COOH हो जाएगा, ठीक है, और इसमें एक कार्बन और दो कार्बन है तो इसको एथेन कहते हैं, और इसमें COOH यानी ओइक समूह जुड़ा हुआ है, ओइक समूह, तो ये यानी कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, एथेनोइक अम्ल, ठीक है, तो इस तरीके से ओइक एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे आपको पूरा इसका सूत्र लिख लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पे ख क्वेश्चन, क्या होता है जबकि केवल आपको संतुलित रासायनिक समीकरण देना है, यानी रासायनिक समीकरण भी देना है और उसे संतुलित भी आप सभी को करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, यानी क्या होता है, ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र अभी हमने आपको एक कल वीडियो बताया था साइंस का जिसमें सभी वायरल क्वेश्चन थे, अगर आप लोग उसको देखे होंगे तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जरूर कंफर्म होगा। तो ये होता है उसका सूत्र, जब इसको हम गर्म किए जाते हैं, गर्म की सिंबल हमने ये बताया था उस दिन भी, ठीक है, तो ये जो बनेगा यानी इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये CaSO4+H2O बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा, और इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, ऐसे 2 लगा देना है, ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ये जो 1/2 है, ठीक है, इसका 1/2 का इसमें क्या हो जाएगा, जब गुणा होगा तो ये CaSO4 2 हो जाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से इसको गर्म किया जाता है तो ये जो है ये जिप्सम प्राप्त होता है। और इसके बाद नेक्स्ट है इसमें कि खाने के सोडा को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, तो खाने का सोडा का सूत्र होता है वो NaHCO3 होता है, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट और +H2O+CO2 प्राप्त होता है, और यहाँ पे Na2 लिखे हमने यानी सोडियम की संख्या 2 है, तो आपको इधर 2 लगा देना है, बाकी ऐसे ही सेम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इतने मेहनत से बता रहे हैं आपको, आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को और अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। खनिज तथा अयस्क की परिभाषा देना है और आपको उदाहरण देना है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले कि खनिज किसे कहते हैं, तो धातुओं के वे यौगिक जिसमें क्या होता है धातु की मात्रा बहुत ही कम होती है तथा पृथ्वी के अंदर मिट्टी व अन्य अशुद्धियों के साथ पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। जैसे जब हम जैसे कोई पृथ्वी है, ठीक है, उसमें से जब सोने को निकालते हैं या चांदी को या डायमंड को, ठीक है, ये सबको निकालते हैं तो सोना की मात्रा जो उसमें 10% रहती है, बाकी उसमें अशुद्धियां जो होती है, ठीक है, वो 90% अशुद्धियां रहती है,
तो उन्हें वो ये दोनों मिला करके ठीक है, जो यानी 100% जो भी हमने चीजें को निकाला पृथ्वी के अंदर वो खनिज है, यानी उसमें सिर्फ हमें जो तत्व है वो सिर्फ 10% है, बाकी 90% अशुद्धियां है ठीक है, सभी उसमें चिपके होते मिले होते हैं, उसको खनिज कहते हैं। और जब खनिज से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना है कठिन है ठीक है, इसको कठिन कई तरह से सांद्रण के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है, इसमें से सोना को अलग किया जाता है। उदाहरण जैसे अभ्रक है ठीक है, और फेस्पार है, लिमोनाइट है आदि है। अब और यहाँ पे अयस्क क्या है, अब देखिये जब हम इस अशुद्धियों को निकाल कर अलग कर देते हैं और जो भी कीमती चीजें उसे अलग कर लेते हैं ठीक है, तो जो कीमती चीजें है उसे अयस्क कहते हैं। धातु के वे यौगिक जिनमें धातु की पर्याप्त मात्रा होती है अयस्क कहलाता है ठीक है, यानी धातु की पर्याप्त मात्रा होती है, अशुद्धियों की नहीं होती, उसे अयस्क कहते हैं। और अयस्क धातुओं को शुद्ध रूप में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है ठीक है। उदाहरण हो जाएगा एल्यूमिनियम के अयस्क, और यहाँ पे कारियोलाइट, और यहाँ पे बॉक्साइट, एल्यूमिनाइट ठीक है, एल्यूमिनाइट। इस तरीके से आपको पूरा ऐसे तैयार कर लेना है। सातवां क्वेश्चन है, निम्न पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है ठीक है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कार्बनिक यौगिक, सजातीय श्रेणी, साबुन तथा अपमार्जक की निर्मल अभिक्रिया ठीक है। ये कितने नंबर का है, यानी यहाँ पे ये 5 नंबर के है टोटल, और उसके बाद इसके अथवा करके यहाँ पे 4 नंबर, यानी ये 4 नंबर का 4 नंबर अथवा करके दिया हुआ है ठीक है। तो आप लोग देखिए ये वाले क्वेश्चन के सभी आंसर को हमने बता चुका है, आप लोग हमारे साइंस के पेपर हमने बताया हुआ है ठीक है, एक वायरल पेपर 2-3 सेट हम बता चुके, तो उस पेपर में आप लोग देखोगे, उस पेपर को भी तैयार कर लीजिए, सभी वायरल है तो उसमें आप लोग देखोगे तो ये सभी का आंसर हमने बताया, वहां से तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपको दोनों में से किसी एक को ही करना है तो यहाँ पे हम आपको अथवे वाला क्वेश्चन का आंसर आपको बता ही देते हैं। यहाँ पे है कि एथेनोइक अम्ल की निम्नलिखित अभिक्रियाएं लिखी, यानी एथेनोइक अम्ल से आपको एष्टीकरण प्राप्त करना है ठीक है, यानी एथेनोइक अम्ल से आपको एष्टीकरण प्राप्त करना है, और यहाँ पे NaOH के साथ इसका अभिक्रिया कराना है, और NaHCO3 के साथ आपको इसका अभिक्रिया करना है, इसके बाद Na2CO3 के साथ अभिक्रिया कराना है ठीक है। और इस एथेनोइक से आपको सबसे पहले कि एष्टीकरण अभिक्रिया कराना है ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले CH3COOH ये एथेनोइक का सूत्र है अम्ल का ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा, यानी इसका जो रिएक्शन हम कराएंगे वो किससे करा रहे हैं, तो यहाँ पे CH3CH2OH, यानी ये हम अल्कोहल से इसका रिएक्शन करा रहे हैं ठीक है। और क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ ये रिएक्शन करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ एथेनोइक ठीक है, और यहाँ पे एथेनोइक है, और इसमें किससे कराना ये नहीं बोला गया है, आपको एष्टीकरण प्राप्त करना ये बोला गया है ठीक है। तो अब हमें किससे रिएक्शन कराना है जिससे हमें एष्टीकरण का जो सूत्र था है वो यहाँ पे, इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो CH3COOC2H5 ठीक है, ये चीजें हमें प्राप्त हो, तो यहाँ पे आपको एल्कोहल को आप लोग C2H5OH ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है। तो यहाँ पे देखिये, यहां से हम जल को निकाल देंगे, यानी ये चीजें दो, ये यच और यहां से OH ये दोनों निकल जाएंगे, बाकी जो चीजें बचा आप लोग उसको लिख दोगे, जैसे CH3 ठीक है, और यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं CH3COOH, और इसके बाद यहाँ पे इसको C2H5 ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, और ये OH जो है वो H के साथ प्लस H2O के रूप में निकल गया, तो ये जो प्राप्त हुआ ये एस्टर प्राप्त हुआ ठीक है, इस अभिक्रिया को एष्टीकरण करते हैं। नेक्स्ट है NaOH के साथ, यानी एथेनोइक अम्ल का अभिक्रिया NaOH के साथ हम जब कराते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ पे प्लस NaOH ठीक है, इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं तो ये हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ से H2O निकाल दीजिए, बाकी जो चीजें बचा है उसको आप लोग लिख दीजिए ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बचे, CH3COO ठीक है, और Na यानी सोडियम एसिटेट प्लस यहाँ पे H2O, इस तरीके से आपको लिख देना है ठीक है, बाकी सभी संतुलित भी है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे रिएक्शन किसका किसका कराना है, यानी बेकिंग सोडा है NaSCO3 के साथ आपको एथेनोइक का रिएक्शन कराना है, CH3 एथेनोइक का सूत्र जो है ठीक है OH, और इसके बाद किससे कराना है, NaHCO3 से कराना है। जब इससे कराते हैं तो इसमें से भी आप लोग ठीक है किसको निकाल दीजिए, यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे CH3 ठीक है, और यहाँ पे COOH, यानी आपको ये COO को लिखना ही है ठीक है, बाकी यहाँ पे सोडियम प्राप्त हो गया,
यानी कि CH3COONa, और यहाँ से यानी CO3 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी CO2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक हमें ऑक्सीजन बच गया, क्योंकि हमने दो ही ऑक्सीजन का यहाँ पे यूज किया है, तो एक ऑक्सीजन जब यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे इस तरीके से ये बचा है, यच बचा हुआ है, ठीक है, यच यहाँ पे बचा है, यच एक ठो यहाँ पे बचा है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा है, तो यहाँ पे प्लस H2O निकल गया। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको किससे कराना है, तो Na2CO3 के साथ आपको एथेनोइक अम्ल का रिएक्शन कराना है, CH3COOH प्लस Na2CO3 इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ये क्या क्या बनेंगे, तो CH3 सबसे पहले कि आपको वही लिखना है, CH3COONa, ठीक है, प्लस H2O और प्लस CO2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, CH3 यानी कि यहाँ पे दो सोडियम की संख्या दो है, तो यहाँ पे आप सभी को सोडियम की संख्या दो दो यहाँ पे भी करना होगा, तो यहाँ पे आप लोग दो लगा दीजिए, और बाकी अगर हमने यहाँ पे दो लगा दिया तो CH3COOH का भी संख्या दो हो गया, तो यहाँ पे आप लोग दो लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा संतुलित हो गया, और आपको ऐसे ही पूरा रिएक्शन करना है। खंड ग आ गया, ठीक है, उपखंड ग में क्या है, आठवां क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों कौन सी है और उनके अंतिम उत्पाद क्या है, यानी अंतिम में क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। और आपको देखिए कैसे लगाना है, यहाँ पे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, और क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है, यानी उनको भोजन बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ता है, तो क्लोरोफिल पड़ता है, जो कि हरे पौधे, ठीक है, पौधे के हरे भाग में क्लोरोफिल होते हैं, यानी उनके पत्तियों में क्लोरोफिल, जिसे पढ़हरिम कहा जाता है, पाया जाता है, जो कि ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी सूर्य के प्रकाश को लेता है, सूर्य का प्रकाश उसको चाहता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहता है, जो कि यानी कि जीवधारियों के द्वारा उन्हें दिया जाता है, वायुमंडल से लेते हैं, और जल पौधे जड़ों के द्वारा भूमि से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कराते हैं, ठीक है। निम्न रासायनिक समीकरणों के द्वारा, यहाँ पे देखिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जल लेते हैं भूमि से, और वो क्लोरोफिल यानी जो पत्तियों में हरे रंग का पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां हरी दिखाई देती है, वो क्लोरोफिल, और सूर्य के प्रकाश में वो इस तरीके से ये ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज प्राप्त करते हैं, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन हम सभी मानवों को देते हैं, यानी सबको देते हैं, जीवधारियों को ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम सभी लोग जीवित हैं, और प्लस वो जल बनाते हैं। तो ऐसे आपको रिएक्शन भी करना, वर्टेड यानी ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ठीक है, जल, ये सब क्या होता है, अंतिम उत्पाद में प्राप्त होता है, आप लोग इसका ऐसे ही लिखिएगा। बहुत वायरल क्वेश्चन है, बहुत मानव में भीषण के कार्यों का आपको उल्लेख करना है, दो नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मानव के शरीर में भीषण संख्याओं में दो होते हैं, ठीक है, ठीके? जो शरीर के बाहर त्वचा की एक थैली भीषण कोष में स्थित होते हैं। भीषण के निम्नलिखित कार्य, भीषण में जो है शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, जो लैंगिक जनन की क्रिया में सक्रिय भाग लेकर भावी पीढ़ी को जन्म देने में सहायक होते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, नामक हार्मोन उत्पन्न होता है, जो मानव शरीर में द्वितीयक जनन लक्षणों को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस तरीके से भीषण का कार्य है, आप लोग इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे छुई मुई पादक में गति तथा मानव टांग में होने वाली गतियों में आपको अंतर लिखना है। ये कितने नंबर का है, चार नंबर का है, ठीक है। तो इस तरीके से है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक छुई मुई का पौधा होता है, जिससे आप लोग छुओगे ना, टच करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, अपनी पत्तियों को झुका लेती है, यानी वो बहुत सिकुड़ कर डंडी के आकार का हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे छुई मुई पादक में गति और तंत्रिका क्रियाविधि, यानी मानव के टांगों में, तो पौधे में तंत्रिका ऊतक तथा पेशी ऊतक नहीं होते, इसलिए उनमें तंत्रिका पेशियां नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। टांग की गति तंत्रिका पेशी नियंत्रण में होता है। पत्तों में गति उनकी आकृति में परिवर्तन से होती है, और जो उनकी कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन से होती है, ये पेशियों के सिकुड़ने तथा फैलने से होता है। ये गतियां अधिसिक गतियां होती है, जो न तो उद्दीपन की दिशा में और न ही उससे परे होती है। ये गति ऐच्छिक होती है तथा उद्दीपन की ओर या उससे परे भी हो सकता है। इसके बाद देखिए अथवा क्वेश्चन है, यानी आप लोग इस नौ क्वेश्चन को कीजिए। अथवा है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, चार नंबर का है। दसवां क्वेश्चन है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाया जाए, ठीक है। ओजोन परत देखिए जो है वो पराबैंगनी किरणों से क्षय हो रहा है, ठीक है, उसको
यानी उसको कम करने के लिए सरकार ने कई नियम लगाए हुए हैं, और ये प्रदूषण से जो रहा है ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। ठीक है, अगर ओजोन परत में छिद्र हो जाता है तो जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रे हैं वो हमारे तक पहुंच जाएंगे और जो हमारे लिए काफी हानिकारक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा जैसे हमने आपको बताया। अथवा है विक्राणु यानी नेफ्रान की आपको रचना तथा उसकी कार्यविधि का वर्णन विस्तार से करना है, 6 नंबर का है। अथवा आप लोग पादप में यानी पेड़ पौधे में जल और खनिज लवणों के वहन कैसे होता है उसको आपको लिखना है, 6 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी लोग ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिए और पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और ठीक है, यानी कि जल का जो सहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, इस तरीके से आपको लिखना है। और जो भोजन का होता है खनिज लौड़ों का जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे आप सभी को पूरा लिखना है इसी तरीके से। तरह से ये है साइंस का आपका पेपर जो कि हम आपको पहला सेट अभी बताए हैं। ठीक है, सेट नंबर 1 है और ऐसे ही आपको 10 पेपर बताएंगे। अगर 10 सेट को आप लोग सॉल्व कर लेते हो तो आपका पूरे के पूरे 70 नंबर आ जाएगा। ठीक है, और आपको अलग से कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग ऐसे इन मॉडल पेपर को सॉल्व कर लो 100% आपका पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा। और सिर्फ आप सभी को हमारे चैनल का ही सॉल्व करना है क्योंकि 100% हम आपको रियल क्वेश्चन रियल पेपर बताते हैं। और हमारे जितने भी क्वेश्चन है आप लोग यानी पर क्वेश्चन 10 आप लोग सेट तैयार कर लेते हो, यानी हमारे अगर एक पेपर को आप लोग तैयार करते हो तो आपका 70 में ठीक है 40 और 50 नंबर तो बिल्कुल पक्का ही है हमारे सिर्फ पेपर का। तो आप लोग तैयार कर लीजिए, जितने भी हम आपको पेपर बताएंगे सभी बिल्कुल वायरल पेपर रहेंगे। और क्लास 10th के आपको किस पेपर की वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी पहले से भी हम और पेपर बता चुके, अगर जितने स्टूडेंट अभी तक उन पेपर को नहीं सॉल्व किए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट भी बना है। अगर आप लोग किसी भी विषय में कमजोर हो, सब्जेक्ट में कमजोर हो, आपकी तैयारी नहीं हुई तो हमारे चैनल पे सभी विषय में पास होने की भी ट्रिक है बिना पढ़े, जो कि 100% बिल्कुल रियल है और आपके एग्जाम में काम करता है वर्क करता है। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट देखिएगा, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। और बाकी अगर आप सभी को इस पेपर की पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इस पेपर को और आप लोग इस पेपर को जरूर शेयर कीजिएगा। और कितने स्टूडेंट इस पेपर को शेयर किए हैं और लाइक किए हैं कमेंट करके बताइएगा, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।